Good morning, dear student. I am Rahul Sir, math teacher from Sri Academy High School, Sagna. I have to come here to you with you people for the video. Today, lecture will take care of exponents and power. Can you simplify this? First, exponents and log. Ki ye ho gaya aapke form mein exponents and power. ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फर्स्ट जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफाई द राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन्स आपको सिंप्लीफाई भी करना है, देन आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। फर्स्ट जैसे बेस, जब इनके बेस क्या हों सेम हो और बीच में क्या होंगे डिवाइड, तो आप पावर क्या करते हो सेपरेट कर दो। जैसे सेकेंड नंबर फॉर्म में भी दिया हुआ है, जब इनके बेस क्या हों सेम तो पावर आप क्या करते हो सबट्रैक्ट और बीच में डिवाइड है, जब बीच में डिवाइड रहेगा तो पावर आप क्या करोगे सबट्रैक्ट करोगे। तो सेम यहाँ पे सेकेंड नंबर फॉर्म लगा लेते हैं, इफ पावर एन डिवाइडेड की पावर एन इक्वल की पावर एन माइनस एन बस टू की पावर फाइव माइनस एट मल्टीप्लाई टू पावर माइनस फाइव। अब फाइव में आप एट को सबट्रैक्ट करोगे क्या आएगा माइनस थ्री, और माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू पावर माइनस फाइव। अब सेकेंड क्या है, ठीक है, तो बेस इनके क्या है सेम, जब बेस इनके क्या होते हैं इक्वल होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो आप पावर क्या करते हैं सम, मतलब पावर को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर ए पावर एन मल्टीप्लाई पावर एन इक्वल पावर एन प्लस एन, टू की पावर क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस पावर माइनस फाइव इक्वल माइनस प्लस माइनस पावर माइनस थ्री माइनस प्लस माइनस फाइव। टू की पावर क्या माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मीन्स टू एंड फाइव का ऐड करोगे क्या आएगा एट, सॉरी थ्री एंड फाइव का ऐड करोगे क्या आएगा एट, और बेट इसमें सेंबल्स क्या लगा माइनस फाइव प्लस टू माइनस का सेंबल क्या लगा देते हैं। फर्स्ट नंबर का आंसर क्या है टू की पावर माइनस एट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, सेकेंड ये जहाँ पे फॉर्मूला है वहाँ पे आप एरो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जब इनके बेस क्या हो सेम हो मतलब इक्वल हो, पावर उनका डिवाइड और सैंबल्स कौन सा होगा डिवाइड का, तो पावर आप क्या करते हो माइनस करते हो, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है सेकेंड नंबर पावर एन डिवाइडेड पावर एन इक्वल एक पावर एन माइनस एन, तो थ्री की पावर क्या हो जाएगा माइनस सेवन माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे पावर माइनस डिवाइड में माइनस लगाओगे और माइनस टेन मल्टीप्लाई थ्री की पावर माइनस फाइव, ये ऐसी चीज़ आ गई इसलिए। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, थ्री की पावर माइनस सेवन प्लस टेन मल्टीप्लाई थ्री की पावर माइनस फाइव, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मीन्स आप सेवन टेन में आप सेवन सेपरेट करोगे क्या आएगा थ्री, थ्री की पावर क्या आ जाएगा थ्री, बाय रीजन में पॉजिटिव सिंबल इसके प्लस का सिंबल हो गया मल्टीप्लाई थ्री की पावर आ गया माइनस फाइव। अब यहाँ पे कौन सा पावर लग रहा है, तो बेस इनकी क्या हो सेम हो और बीच में सिंबल क्या हो मल्टीप्लाई हो, तो इसमें कौन सा पावर लगाते हो फर्स्ट नंबर, मतलब पावर आप ऐड कर देते हो, तो फर्स्ट नंबर पावर ऐड कर देते हैं ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर एन इक्वल ए पावर एन प्लस एन सेम, थ्री की पावर क्या हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई सिंबल इसमें पावर आप क्या करोगे प्लस करोगे और माइनस क्या है फाइव लिखा है माइनस फाइव इक्वल थ्री की पावर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, थ्री की पावर माइनस फाइव, थ्री में आप फाइव सब्ट्रैक्ट करोगे मीन्स क्या आएगा निगेटिव टू माइनस टू, ये आपका सेकेंड नंबर सॉल्व हो गया कंप्लीट। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जब बेस इनकी क्या हो डिफरेंस हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो और इनके पावर क्या है कुछ भी हो, तो आप क्या करते हो इनकी बेस को आप मल्टीप्लाई कर देते हो और पावर में एज इट इज सेम आप वही लिख देते हो, तो इसमें कौन सा नंबर लगेगा फिफ्थ नंबर, मतलब बेस क्या है इनके डिफरेंस है और पावर क्या है सेम और बीच में मल्टीप्लाई है, इसके लिए आप क्या करोगे इनकी फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एन सॉरी एम इक्वल ए मल्टीप्लाई बी पावर एम, तो टू मल्टीप्लाई माइनस
डिफाइन कर दिया एंड लास्ट में आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया, इस पावर में आपने कन्वर्ट भी कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब इसको आप जब फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका आंसर क्या है लास्ट का। फर्स्ट आपको ये जो किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है 1। यस, अगर किसी की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आएगा 1। जैसे आपकी 3 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आपके आइडेंटिटी यूज, मतलब जो आपके फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंट्स एंड लॉग के फॉर्मूले, ये आपके फॉर्मूले क्या है इसलिए रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्लस का सिंबल है बट इस फॉर्मूले में प्लस का सिंबल कहीं भी नहीं है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आप रूल फॉलो कर सकते हो बट इसके लिए नंबर भी आपको चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे विदाउट फॉर्मूले से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप ये इस टाइप के क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके दिए हुए ये भी विदाउट फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। इसके लिए बट आपको फॉर्मूला से फाइंड करना है तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, बट अगर आपको विदाउट फॉर्मूला करना है तो विदाउट फॉर्मूले से भी इसको फाइंड कर सकते हो, सेम आपका आंसर यही है। ऐसे सेकंड नंबर क्वेश्चन फाइंड करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू ऑफ फाइंड करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट जब किसी की पावर 0 तो उसका आंसर क्या आता है 1, मतलब 3 की पावर 0 मीन्स आंसर 1 ब्रैकेट 1 प्लस पावर में माइनस है, मीन्स अगर जब पावर में माइनस होता है तो नंबर्स को आप क्या करते हो रेसिप्रोकल करते हो, जैसे 6 नंबर फॉर्म 6 नंबर में दिया हुआ है a की पावर माइनस m, मीन्स आप नेगेटिव हटाने के लिए इनका क्या करते हो a की पावर m को क्या करते हो रेसिप्रोकल करते हो, मीन्स सेम सॉरी a का आप रेसिप्रोकल करते हो सेम, इसलिए 4 टर्म क्या करेंगे रेसिप्रोकल, अगर आप 4 रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1/4, और पावर में क्या है 1, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे सेम वही आएगा, 1 का 4 का करोगे फिर भी सेम वही आएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 सॉरी 2 की पावर 2 मतलब 4 आंसर सी। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि फ्रैक्शन सॉल्व में आप क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, सी 4 बन जा 4 प्लस 1 बन जा 1, 1 4 जा 4 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 4 से 4 कैंसिल, लास्ट में आपको रिमाइंडिंग आंसर क्या आ गया 5, मीन इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। ऐसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा होगा जब इनके बेस क्या है सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, सॉरी जब इनके बेस क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं, बेस क्या हो डिफरेंस हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर को आप क्या करते हो सेम ऐसे लिख देते हो और इनका जो बेस होता है उनका मल्टीप्लाई कर देते हो, बट इसको हम विदाउट फॉर्मूले से फाइंड करेंगे कि विदाउट फॉर्मूले से इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो एंड विदाउट फॉर्मूले से इसको आप फाइंड कर सकते हो। देखिए अगर आप 5 पावर में क्या लिखा है माइनस 1 तो निगेटिव बनाने के लिए आप 5 का क्या करोगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 5, पावर में क्या है 1 1 लिख देते हैं मल्टीप्लाई 2 की पावर में क्या है माइनस 1, मतलब यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए अब क्या करोगे 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, पावर में नंबर क्या है 1 मल्टीप्लाई 6 की पावर माइनस 2, मीन्स आप यहाँ पे रेसिप्रोकल 6 का भी आप सेम क्या करोगे रेसिप्रोकल करोगे जिससे क्या होगा आपका निगेटिव सिंबल जो है वो हट जाएगा, तो 6 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/6, पावर में क्या है 2, अब 1 का 1 करोगे 1 को 1 टाइम लिखेंगे 1 ही आएगा, 5 को भी आप 1 टाइम लिखोगे 5 आएगा मल्टीप्लाई 1 को 1 टाइम लिखेंगे 1, 2 को भी 1 टाइम लिखेंगे 2 2 मल्टीप्लाई 1 को 1 1 स्क्वायर मीन्स स्क्वायर मीन्स होता है सेम नंबर रिपीटेड 2 टाइम, 1 का आप स्क्वायर फाइंड करोगे 1 आएगा एंड 6 का आप स्क्वायर फाइंड करोगे मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6 मीन्स 36, यहाँ क्या आ जाएगा 36, अब मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है मल्टीप्लाई आप सामने सामने करते हो जैसे 1 बन जा 1 1 बन जा 1 5 टू जा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 36 से करोगे तो 10 में 36 करो 360 आ जाएगा इसका आंसर। ओके थैंक यू।